1, 2, 3, come on. नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मॉड्यूलर किचन का डिज़ाइन बताने जा रहा हूं, जो कि फ़िलहाल में हाल ही में मेरे घर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे घर का किचन है, आप देख सकते हैं यहां ऊपर तक टाइल्स लगाई गई है और यहां पर हमने एक अलमारी दी है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग, और अभी हाल ही में इसमें जो है प्लाईबोर्ड का काम हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलमारी है, कुछ इस तरह से दिख रही है, और यहाँ पर जो है एक मॉड्यूलर किचन का रूप दिया गया है एक नॉर्मल किचन को। ठीक है, यहाँ पहले इस तरह से कैबिनेट नहीं थे और ना ही ड्रॉर्स था, ये हाल ही में लगाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी से इन्हें ओपन करके बताऊँगा। सबसे पहले हम इस कैबिनेट को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंक है, सिंक लगा हुआ है ऊपर, वॉश बेसिन के लिए सिंक लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप, बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो उसका पानी यहाँ से नीचे जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक जो कब्जे लगाए गए हैं, इसमें जो कब्जे लगे हैं हाइड्रोलिक हैं, तो आप थोड़ा सा दिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाजू में हमने कुछ इस तरह से जो है डोर दिए हुए हैं, ये डबल डोर हैं, आप देख सकते हैं इसे, यहाँ पर अंदर बहुत स्पेस है, ये कुछ इस तरह से एल आकार में दिया गया है। ठीक है, उसके बाजू में यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बर्तन रखने के लिए ट्रॉली दी गई है, ये देखिए ये ट्रॉली है, यहाँ पर सबसे नीचे में बड़े बर्तन रखते हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरह से छोटे छोटी जो प्लेट होती हैं उनको रख सकते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर आप कप वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइड की ट्रॉली हो गई, और उसके बाजू में एक और ट्रॉली दी गई है जिसमें कि नीचे की ओर वही है बड़े बर्तन रखने का है, आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर उससे छोटे बर्तन रख सकते हैं आप, और सबसे ऊपर उससे छोटे जैसे कि गिलास वगैरह आप रख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। उसके बाजू में एक और कैबिनेट है, यहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है, तो आप भी कुछ इस तरह से गैस सिलेंडर रख सकते हैं, और उसके बाजू में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आटे की टंकी रखी हुई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए आप, ये देखिए हम थोड़ा सा तो छोड़ेंगे तो ये देखिए हाइड्रोलिक इसमें जो है कब्जे लगाए गए हैं, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको, लेकिन ये हाइड्रोलिक नहीं होगा, इसे आपको धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए एकदम से नहीं जाएगा, इसको आपको थोड़ा अंदर करना पड़ेगा पुश करके। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से ये पूरी जो किचन है उसको रूप दिया गया है, रिनोवेशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है अलमारी बनाई है, जो इसमें जो कि पहले इसमें जो है डोर नहीं थे, अभी डोर लगे हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें सामान रख सकते हैं आप। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर भी दो डोर दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें भी जो है कब्जे लगे हैं वो हाइड्रोलिक कब्जे हैं। ठीक है, देखिए देखिए साइड एंगल से भी बहुत बढ़िया दिखता है ये, इसमें सनमाइका का यूज़ हुआ है। ठीक है, प्लाईवुड के ऊपर सनमाइका लगाई गई है, ये देखिए हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, हाइड्रोलिक इसमें कब्जे लगाए गए हैं। ठीक है, देखिए इसको भी हम छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है बंद होना चालू हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, बाकी ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बंद हो गया है। इसी तरह से जो नीचे इनको भी जो है आप थोड़ा सा पुश कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, बस आपको ऐसा करके छोड़ देना है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जी। इस तरह से आपकी जो अलमारी है या फिर ड्रॉज वगैरह आपने जो कैबिनेट बनवाए हैं नीचे, वो खुले नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे घर पर काम चल रहा है, तो इस तरह की
और वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।